ट्रेन अपनी स्पीड ट्रायल के लिए निकल चुकी है संगलदान रेलवे स्टेशन से। भारत माता की जय के जय घोष के साथ और ये बढ़ चुकी है अपने गंतव्य की ओर। ये आपके सामने है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की टीम। ट्रेन का शुभारंभ होने से पहले नारियल तोड़े जा रहे हैं और पूजा की जा रही है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम हैं संगलदान रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर रेलवे का आज इनॉग्रेशन है। आज फास्टेस्ट ट्रेन यहाँ से श्रीनगर के लिए जाएगी और न्यू ट्रेन है। और ये आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेन आई हुई है। और अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी इसकी लेटेस्ट जानकारी देने वाला हूँ, कहाँ से कहाँ तक इस रेलवे स्टेशन को खोला जा रहा है, इसके आगे का क्या अपडेट है, क्योंकि यहाँ से अब मात्र 63 किलोमीटर बचा है सेक्शन जो अभी पेंडिंग में है। और ये 48 किलोमीटर का न्यू सेशन है जो बनिहाल से संगलदान तक है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं संगलदान रेलवे स्टेशन है। अभी आपको आगे के विजुअल्स दिखाते हैं, तो आइए चलते हैं। पर आप सामने देख रहे हैं ये अब सीधा फास्टेस्ट ट्रेन का ट्रायल है। आज है 16 फरवरी सुबह लगभग 9:30 का टाइम है और ये फास्टेस्ट ट्रेन सीधा भी कश्मीर घाटी के श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक जाएगी। और आप सभी को बता दें इसका आज CRS ट्रायल है, कल ट्राली ट्रायल था और आज इसका ये ट्रायल चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर रेलवे की तरफ से पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। अब कुछ ही मिनटों में यहाँ से रेलगाड़ी सीधा कश्मीर घाटी के लिए निकलेगी। और ये वाली साइड जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये है कश्मीर घाटी के लिए, ठीक है। अभी जो ट्रेन है इसी तरफ निकलेगी। यहाँ पर आपको संगलदान रेलवे स्टेशन का बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद जो टनल देख रहे हैं आप, इस टनल से ही होकर जाएगी ये। और यहाँ पर देखिए रेलवे स्टेशन जो है, और यहाँ इस साइड देखिए ट्रेन। अभी आपको आगे की ओर ले चलते हैं। पूरी की पूरी जो इसकी बोगियां है ये नई पहुंची थी बडगाम रेलवे स्टेशन पर और वहीं से ये न्यू ट्रेन यहाँ की ओर आई है। और देखिए ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशी वाली बात है सभी लोगों के लिए, क्योंकि 48 किलोमीटर पर ये नया सेशन है जो बनिहाल से आगे का आता है उस पर अब ये ट्रेन रन करेगी। ये आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन। और संगलदान रेलवे स्टेशन पर तीन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, तीन प्लेटफॉर्म्स हैं। ये इसके आगे का पहला, ये दूसरा और इसके पीछे वाला तीसरा आएगा। तो दोस्तों अभी जो मेरे पीछे ट्रेन देख रहे हैं यही अभी संगलदान रेलवे स्टेशन से जाएगी श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक। आज इसका फास्टेस्ट ट्रायल चलेगा CRS का, ताकि जो रेलवे स्टेशन है वो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के चलते इसे बिल्कुल सक्सेसफुली पास किया जाएगा। और इसके बाद ये जो ट्रेन है वो आगे के जो 48 किलोमीटर का न्यू सेशन है बनिहाल से संगलदान तक का, उस पर चलेगी, ठीक है। इसके आगे का जो है वो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो आता है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इंडिया केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, अब फिर उस पर चलेगा। इससे पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं लेटेस्ट कवरेज जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आप सभी को बता दूं बहुत ही जल्द ये 1 मार्च से बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर पूरी तरह से ट्रेन जो है वो रन करेगी कंटिन्यू संगलदान से श्रीनगर बारामूला तक। आज इसका ये स्पीड ट्रायल है, आप जैसे कि देख ही रहे हैं यहाँ पर ट्रेन पर बैरियर लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है स्पीड ट्रायल और CRS इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर अभी आप जो ये व्यू देख रहे हैं ये है ट्रेन के भीतर का व्यू, ठीक है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है और संगलदान रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं जो आप सभी के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर है। इसके बाद ये देखिए ये बिल्कुल न्यू ट्रेन है, फ्रेश ट्रेन है। ये हाल ही में बडगाम पहुंची थी कुछ दिनों पहले इसकी बोगीज नेशनल हाईवे से। और देखिए रेल यात्रियों के लिए खासकर गर्मियों के लिए खास बंदोबस्त देखने को मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपको फैन भी देखने को मिलेगी और सीलिंग फैन, और साथ में अगर ट्रेन में ज्यादा भीड़ हो जाती है तो आप इस हैंगिंग के साथ खड़े हो सकते हैं आराम से। और ये भी पूरी तरह से इसमें व्यवस्था रखी गई है। तो ये देखिए टनल के भीतर का व्यू। टनल के अंदर जाना लीगल नहीं है तो इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। यहीं से व्यू देख लीजिए अंदर के टनल का जो जाएगा सुंबड़ वाली साइड और बनिहाल वाली साइड। तो अभी मैं जिस साइड जा रहा हूँ ये साइड है जम्मू वाली साइड। कहीं सारे लोग पूछते हैं कि आखिरकार जम्मू कब पहुँचेगी, तो आप सभी को बता दूँ ये साइड जो भी आप देख रहे हैं नेक्स्ट वाले ट्रायल्स जो हैं इसके आगे के होने वाले हैं। यहाँ से आगे सावलाकोट से आगे रियासी डिस्ट्रिक्ट आ गया, वहाँ से आगे जो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, फिर इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, वहाँ पर भी पूरा काम कम्प्लीट हो चुका है। आगे आपको टनल दिखाते हैं जूम करके, ये भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है। यहाँ से आपको जो जूम करके टनल दिखाई ये जम्मू वाली साइड में आती है और यहाँ पर हम आपको ठीक
रोटेट करके अगर अपने इस साइड दिखाएं तो ये है कश्मीर वाली साइड, जहां पर आपको रेलगाड़ी खड़ी दिखाई देगी और वहां से आगे भी टनल है, ठीक है। और अभी हम आपको बता देना, जो अभी ये ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं यहां तक हैं, और ये स्पीड ट्रायल है, यानी कि स्पीड का टेस्ट लिया जाएगा और इसके बाद यहाँ तक का पूरा पता लगाया जाएगा कि यहाँ तक किस स्पीड से ट्रेन आ सकती है। और ये देखिए कितने पहाड़ को काट कर बनाया गया है। और जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि T1 टनल जो है उसमें कुछ लूज आया था 20 जनवरी के करीब, और उसमें फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए काम रुका था। फिलहाल उसके बाद का कोई अपडेट नहीं है कि काम शुरू हुआ है या फिर नहीं। तो ये USBRL प्रोजेक्ट के कुछ जो वहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे के कुछ बड़े बड़े अफसर हैं उनसे ही कुछ मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला था। या कि टनल में आपको अभी जाकर दिखाते हैं। तो बहुत सारी रेलवे लाइन भारत में आप सभी ने देखी होंगी इस प्रकार की नहीं होती हैं, वो कुछ बजरी के ऊपर से यानी कि रेत के ऊपर से ये पटरी बिछा कर लेते हैं, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लास्ट लेस है और कंक्रीट से बनाई गई पटरी है ये आप देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ऑल वेदर कंडीशंस के चलते भी ये बनाई गई है और इसके साथ मजबूती भी बनी रहे इसीलिए भी बनाई गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पूरा का पूरा ये आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं ये बहुत ही मजबूत कंक्रीट के ऊपर से बनाया गया है। ये आपको कटरा से आगे पूरा श्रीनगर बारामूला तक इसी तरह का दिखेगा, हालांकि कश्मीर घाटी के काजीकुंड से पीछे आपको बजरी के ऊपर ही दिखेगा, और बनिहाल से साइड का जो इलाका आता है कटरा तक उसमें आपको ये इस तरह का ब्लास्टलेस ट्रैक मिलेगा देखने के लिए। दोस्तों क्लियरली सी बात है ना, यहाँ पर अगर आप जब भी आएंगे ना तो देखिए जब भी कटरा से श्रीनगर के लिए ट्रेन आएगी तो आपका दिमाग ज़रूर ये लेकर पजल हो जाएगा कि देखिए ऐसे पहाड़ों में ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं। और इस साइड ये वाली साइड जो अभी आप देख रहे हैं ना ये पहाड़, इस ट्रेन ने इस तरफ डाइवर्जन होना है, यहाँ से इस तरफ जाएगी, ठीक है, यहाँ से पीछे जाएगी और वहाँ से इस तरह से बिल्कुल इस तरह इस पहाड़ की ओर डाइवर्जन लेगी। पूरा का पूरा टनल है इस पहाड़ से भी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पहाड़ को देखिए ऊपर कितना पहाड़ काटा है पहले, यहाँ से आप सभी को बता दूँ टनल भी बन सकती थी, पर यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए साथ ही साथ यहाँ पर जो खासकर ट्रेन्स आते रहती हैं उन्हें बाईपास देने के लिए ये एक रेलवे स्टेशन संगलदान बनाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त है, पूरा का पूरा पहाड़ काट कर बनाया गया है। ये जितना भी ऊपर आप देख रहे हैं ऊंची ऊंची दीवारें, इस पूरे पहाड़ को काट कर बनाया गया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में मैं कहता हूँ कि लागत लगी होगी, क्योंकि इतना पहाड़ काटना कोई खेल की बात नहीं है। तो ये देख रहे हैं आप OHE इंस्पेक्शन कार इसको कहते हैं, जिसका पूरी अगर हम आपको फुल फॉर्म बता दें आवर हेड इक्विपमेंट कहते हैं इसको, और इरकॉन द्वारा ये यहाँ पर पहुँचाया गया है। आगे का सेक्शन दो आप देख रहे हैं, अब जो जम्मू वाली साइड है इसके ऊपर आप देख रहे हैं टनल की लेंथ लिखी गई है पूरी तरह से, आप देख रहे हैं जो सामने की ओर, और टनल ये भी रेडी है, पूरा का पूरा रेडी है। ये देखिए अंदर का पूरा लाइटिंग का वर्क भी कंप्लीट है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर भी कुछ बहुत सारी पटरियाँ हैं, और ये देखें मतलब कि यार पागल हो जाता बंदा, कितना ज़्यादा इनमें सामान लगता है और क्या क्या, मतलब इतने ज़्यादा काम कैसे कर लेते हैं ये कोई भी समझ नहीं आती है। पेंट भी किया हुआ है टनल के अंदर, आगे बहुत ज़्यादा आगे एक टनल आती है, इस मतलब आधे से ज़्यादा प्लेटफॉर्म अंदर जाता है, ठीक है, लगभग 500 मीटर इसके अंदर प्लेटफॉर्म रहता है, फिर एक ये वाली जो देख रहे हैं आप डायरेक्ट सीधी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं CRS की कुछ टीम यहाँ पर निरीक्षण कर रही है, और इसके बाद ट्रेन खड़ी उसे छोड़ा जाएगा। ये आपके सामने है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की टीम, आप देख रहे हैं सीधा ट्रेन की ओर बढ़ रही है, और आगे सीधा आपको दिखाई देगी ट्रेन। ये जो अभी आप देख रहे हैं ट्रेन का शुभारंभ होने से पहले नारियल तोड़े जा रहे हैं और पूजा की जा रही है ताकि ये सफल ट्रायल हो, क्योंकि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन का ये प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बाद कोंकण रेलवे यहाँ तक पहुँचा है, नॉर्दर्न रेलवे, और अब यहाँ पर नारियल तोड़कर स्वागत किया जा रहा है सभी CRS मेंबर्स का। मातरम मातरम। तो फाइनली पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है, अब जाने वाली है
रेलगाड़ी अपने फास्ट ट्रायल के लिए, स्पीड ट्रायल के लिए। ट्रेन ने पहला अपना हॉर्न दे दिया है। ट्रेन में सिर्फ 48% अनुमति है, सारे यात्रीगण ट्रैक से दूर खड़े रहिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ट्रेन में सारे यात्रीगण ट्रैक से दूर खड़े रहिए। और अभी ट्रेन अपनी स्पीड ट्रायल के लिए निकल चुकी है संगलदान रेलवे स्टेशन से। भारत माता की जय के जय घोष के साथ और ये बढ़ चुकी है अपने गंतव्य की ओर, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि अभी ये ट्रेन जो है संगलदान रेलवे स्टेशन से निकली है। अभी आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये लम्हे USBRL प्रोजेक्ट में। और जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं ये ट्रेन अभी सुंबर्ड खड़ी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ेगी बनिहाल, बनिहाल से आगे श्रीनगर की ओर अपने गंतव्य की ओर बढ़ेगी। ये अभी आप जो इसकी साइड देख रहे हैं, ये साइड है इसकी ठीक बनिहाल श्रीनगर साइड, ये देख रहे हैं आप। ट्रेन लगातार अपने हॉर्न के साथ श्रीनगर घाटी की ओर बढ़ चुकी है संगलदान रेलवे स्टेशन से। और ट्रेन गायब, चल वो लास्ट ट्रेन गई। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, ये अभी ट्रेन संगलदान रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के लिए अपने स्पीड ट्रायल के लिए जा चुकी है। और इसी के साथ इसका पहला दिन आज ये था, यानी कि इसमें अभी ये CRS ट्रायल के साथ सफल होती है तो 20 तारीख से कंटिन्यू चलेगी। 100% यही है कि ये सफल हो जाएगी और इसके बाद 20 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं तो 20 तारीख से ये रेगुलरली रन करेगी। आज किसी भी लोकल पर्सन को इसमें परमिशन नहीं थी चढ़ने के लिए, जितने भी लोग जा रहे थे वो ऑथोराइज पर्सन थे, अनऑथोराइज पर्सन को इसमें अलाउ नहीं था। और ये बहुत ही खूबसूरत लम्हे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर लोग भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी उमड़ी हुई देखने के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ बहुत ही ज़्यादा लोग थे जो देखने के लिए पहुँचे थे यहाँ पर। और ये संगलदान रेलवे स्टेशन है।